आगरा में यमुना के किनारे स्थित यह बेहद ही खूबसूरत आरामबाग भारत में मुगलों के द्वारा स्थापित न सिर्फ सबसे पुराना उद्यान है, बल्कि यह भारत में मुगलों द्वारा स्थापित बागों का आदि रूप भी है। इस खूबसूरत आरामबाग का निर्माण हिंदुस्तान में मुगल वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने कराया था। दरअसल 21 अप्रैल सन 1526 को हुए पानीपत के पहले युद्ध में दिल्ली के तत्कालीन लोदी शासक इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद अब बाबर ने हिंदुस्तान में ही बसकर यहां पर शासन करने का निश्चय किया और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। बाबर ने हिंदुस्तान के बारे में अपने विचार अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में विस्तार से लिखे हैं और उसकी इसी आत्मकथा से पता चलता है कि बाबर जब हिंदुस्तान आया तो यहाँ के वातावरण और मौसम से बाबर को बहुत अधिक असहजता हुई। यहाँ की अत्यधिक भीषण गर्मी, लू, उमस और तेज धूल भरी आंधियों ने बाबर की परेशानी को और भी अधिक बढ़ा दिया। बाबर को यहाँ पर सुनियोजित ढंग से लगाए गए बाग बगीचे भी नज़र नहीं आ रहे थे। तब बाबर ने यहाँ पर एक सुनियोजित बाग लगाने का निश्चय किया और उसके लिए उसने आगरा में यमुना के पार यमुना के किनारे इसी स्थान को चुना। यह आगरा में रामबाग चौराहे के समीप स्थित है। बाहर से यह आपको बहुत ही सामान्य सा दिखाई देगा, परंतु इसके अंदर प्रवेश करते ही यकायक खूबसूरत हरियाली के मध्य इसकी विराटता आपको नजर आने लगेगी। बाबर द्वारा निर्मित इस खूबसूरत आराम बाग को ईरानी बागों की शैली पर बनाया गया है तथा इसका चार बाग डिजाइन भी मूल रूप से ईरानी शैली का ही भाग है। साथ ही इस शैली में बने बाग क्रमशः उतरते हुए तलों पर निर्मित किए जाते थे। यमुना के किनारे इस बाग का सबसे ऊपरी तल है। इस ऊपरी तल के नीचे तहखाने में 3-4 तलघर बने हुए हैं। इन तलघरों के निर्माण की इंजीनियरिंग इतनी जबरदस्त है कि भीषण से भीषण गर्मी में आज भी ये अत्यधिक ठंडे रहते हैं। हालांकि इन्हें अब बंद कर दिया गया है, परंतु इनके द्वारों के समीप खड़े होने पर भी आप ठंड का साफ अनुभव कर सकते हैं। किसी समय भीषण गर्मियों में ये तलघर बाबर और उसके परिवार की आरामगाह हुआ करते थे। यमुना के किनारे स्थित ऊंचे प्लेटफॉर्म पर निर्मित आवास ग्रहों के मध्य खुले आंगन में एक बड़ा पत्थर का तालाब भी निर्मित है, जिसके बीचों बीच आकर्षक चबूतरा बना हुआ है। पूरे बाग में पानी के प्रवाह के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है। बाबर ने प्रारंभ में यहाँ एक बड़ा कुआं खुदवाया। इस बाग में विभिन्न प्रकार की वैरायटी के असंख्य पेड़ लगाकर इसे एक खूबसूरत स्थल में तब्दील कर दिया। साथ ही बड़े बड़े हमामों के साथ यहाँ भवनों को भी निर्मित कराकर इसे बाग गुल अफशां यानी फूल बिखेरने वाले बाग की संज्ञा दी। सन 1530 में मृत्यु के बाद बाबर को प्रारंभ में इसी आराम बाग में अस्थायी रूप से दफनाया गया तथा बाद में उसे काबुल ले जाकर स्थायी रूप से दफनाया गया। बाद में बाबर के परपोते जहांगीर ने भी इस बाग की खूबसूरती को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपने शासन के दौरान यहां बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों की वैरायटी के कई खूबसूरत दुर्लभ पौधे लगवाए और इस स्थल को उसने बाग नूर अफशां अर्थात प्रकाश बिखेरने वाला बाग की संज्ञा दी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में इस बाग को हिस्त बहिस्त की संज्ञा दी है। कालांतर में मुगल काल में इसे आराम बाग कहा जाने लगा और आगरा में मराठा शासन के समय इसे आराम बाग के स्थान पर राम बाग कहा जाने लगा। बाद में यह स्थल अंग्रेजों की भी पसंदीदा जगह रही। अंग्रेजों ने सन 1803 से 1857 तक इस बाग की पुनः मरम्मत कराकर
इसे अपनी छुट्टी मनाने के लिए एक आराम गाह में तब्दील कर दिया और यहाँ के ठंडे शीतल घरों को अपने रेस्ट हाउस की तरह प्रयोग करने लगे। वाकई आगरा शहर के मध्य एक बेहद ही खूबसूरत स्थल है आराम बाग। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे रोचक जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल हमारा इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दें।